दोस्तों, इस वीडियो में कंपैरिजन करने वाला हूँ होंडा सी डी 110 और दूसरा है बजाज की तरफ से जो नई लॉन्च हुई है सी टी 110 एक्स। ये दोनों बाइक 110 सीसी सेगमेंट में आती है। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, होंडा एक जापानीज कंपनी है और बजाज एक इंडियन कंपनी है, तो ये दोनों बाइकों की कंपैरिजन करना बनता है और जानेंगे दोनों बाइकों में आपको किस में ज़्यादा फीचर्स मिलेगा, किसकी प्राइस, इंजन ज़्यादा पावरफुल मिलेगा, किस में कम मिलेगा। ओवरऑल दोस्तों सब कुछ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे आपके लिए कौन सा कम्फर्टेबल रहने वाली है, आप किसे ले सकते हैं, किसे नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले दोनों बाइकों की कलर ऑप्शन की बात करते हैं, तो सी टी 110 में आपको 4 कलर ऑप्शन मिलती है। इसमें आपको मिल जाएगा ब्लैक ब्लू, फ्लेम रेड, ब्लैक रेड और वाइल्ड ग्रीन शामिल है, जबकि होंडा सी डी 110 में दो मॉडल आती है और दोनों मॉडल में आपको 8 कलर ऑप्शन देखने को मिल जाती है। स्टैंडर्ड मॉडल की बात करते हैं तो इसमें आपको मिल जाएगा ब्लैक रेड, ब्लैक गोल्ड, ब्लैक ब्लू और ब्लैक ग्रे शामिल है, जबकि डिलक्स मॉडल की बात करते हैं तो इसमें आपको मिल जाएगा ब्लैक, ब्लू मेटेलिक, ग्रे मेटेलिक और रेड मेटेलिक शामिल है। तो ओवरऑल दोस्तों कह सकते हैं होंडा सी डी 110 में आपको कलर ऑप्शन ज़्यादा मिलती है, अपने अकॉर्डिंग कौन सा कलर पसंद आता है उसे आप चूज कर सकते हैं। आगे बात करते हैं दोनों बाइकों की डिज़ाइन की, तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ डिज़ाइन अपना अपना व्यक्तिगत पसंद होता है। किसी को सी डी 110 पसंद आ सकता है तो किसी को बजाज सी टी 110 पसंद आ सकता है। आपको कौन सा पसंद है दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ बजाज सी टी 110 में राउंड शेप का हेडलैम्प आती है, इसमें आपको LED DRL मिल जाती है और हैलोजन बल्ब मिलेगा, जबकि सी डी 110 में इसमें भी हैलोजन बल्ब मिलती है, LED का कोई ऑप्शन नहीं है, पर इसमें आपको LED DRL नहीं मिलती है। दोनों ही बाइकों में पीछे कैरियर देखने को मिल जाती है जो कि सामान भी कैरी कर सकते हैं। बाकी बात आगे बात कर लेते हैं दोनों बाइकों की इंजन स्पेसिफिकेशन की, किसकी इंजन ज़्यादा पावरफुल है। तो बजाज सी टी 110 की बात करते हैं तो इसमें आपको इंजन मिल जाएगा 115.45 सीसी का एयर कूल फोर स्ट्रोक 2-वाल BSS कंप्लाइंट इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्शन इसमें आपको मिलेगा, जबकि सी डी 110 की बात करते हैं तो इसकी इंजन मिलेगा 109.51 सीसी का एयर कूल फोर स्ट्रोक BSS कंप्लाइंट प्रोग्रामेड फ्यूल इंजेक्शन इसमें आएगा। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप फ्यूल इंजेक्शन लेना चाहते हैं तो फ्यूल इंजेक्शन ले सकते हैं, नहीं तो आप इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्शन लेना चाहते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर इंजन लेना चाहते हैं तो बजाज सी टी 110 ले लें, जो कि इसमें आपको पेट्रोल टीम मिल जाएगी यानी कि पेट्रोल ऑन ऑफ कर सकते हैं। बजाज सी टी 110 की बोर है 50 mm, स्ट्रोक है 58.8 mm। यहीं पे सी डी 110 में बोर है 47 mm, स्ट्रोक है 63.12 mm, यानी कि दोनों बाइक अंडर स्क्वायर इंजन है जो कि आपको अच्छे खासे माइलेज भी मिल जाएगी। माइलेज कितनी मिलेगी दोस्तों आगे बात करेंगे, फिलहाल बात कर लेते हैं दोनों बाइकों की पावर और टॉर्क की। तो बजाज सी टी 110 की मैक्सिमम पावर निकालेगी 8.6 PS की 7000 RPM एंड मैक्सिमम टॉर्क निकालती है 9.581 Nm। यहाँ पे सी डी 110 की बात करते हैं तो इसमें मैक्सिमम पावर निकालती है 8.8 PS की 7500 RPM एंड मैक्सिमम टॉर्क निकालती है 9.30 Nm 5500 RPM। तो यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा पावर आपको होंडा सी डी 110 में ज़्यादा देखने को मिलती है, लेकिन सी टी 110 में आपको थोड़ा सा टॉर्क ज़्यादा मिलती है। तो कुल मिलाकर दोस्तों कह सकते हैं दोनों बाइकों की लगभग परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहने वाली है, कोई ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगी। दोनों ही बाइकों में 4 स्पीड का गियर बॉक्स मिल जाएगी और स्टार्ट ऑप्शन में आपको सेल्फ और किक दोनों मिल जाएगी। आगे बात कर लेते हैं दोनों बाइकों की टायर और व्हील साइज की, तो सी डी 110 में आगे की टायर मिलती है 2/75/17 और पीछे 3/0/17 का ट्यूब टायर आती है, ना कि इसमें आपको ट्यूबलेस टायर मिलेगा। और यहीं पे सी डी 110 में आगे और पीछे 80/18 का ट्यूबलेस टायर मिलेगा, यानी कि इसमें दोस्तों ट्यूबलेस टायर मिलती है। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप ट्यूबलेस टायर लेना चाहते हैं तो सी डी 110 ले सकते हैं, नहीं तो आप ट्यूब टायर से काम चलाना चाहते हैं तो सी टी 110 ले सकते हैं। और सी डी 110 में 18 इंच का पहिया मिलेगा, जबकि सी टी 110 में 17 इंच का पहिया मिलेगा, यानी कि पहिया आपको थोड़ा सा छोटा मिलेगा बजाज सी टी 110 में, जो कि इसमें आपको 17 इंच का व्हील साइज देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं दोनों बाइकों की ब्रेक साइज की, तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ दोनों बाइकों में डिस्क ब्रेक का ऑप्शन नहीं आती है। सी टी 110 की बात करते हैं तो आगे 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलेगा और पीछे 110 mm का ड्रम ब्रेक मिलेगा, जबकि सी डी 110 में आगे और पीछे 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलेगा, यानी कि पीछे वाला ड्रम साइज आपको थोड़ा सा बड़ा मिलेगा सी डी 110 में कंपेयर टू सी टी 110 के मुकाबले। तो हो सकता है आपको ब्रेकिंग परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाए होंडा सी डी 110 में। सस्पेंशन की बात करते हैं तो बजाज सी टी 110 में आगे हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेगा जो कि 125 mm ट्रेवल करती है, और पीछे स्प्रिंग इन स्प्रिंग सस्पेंशन मिलेगा, जबकि सी डी 110 में आगे टेलीस्कोपिक और पीछे हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिलेगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों कह सकते हैं कि सी टी 110 की थोड़ी सस्पेंशन अच्छी रहने वाली है। डायमेंशन की बात करते हैं तो सी डी 110 की बिलबेस मिलेगा 1285 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm, फ्यूल टैंक 11 लीटर और बाइक का वजन 127 kg यानी कि 127 kg।
यहीं पे सी डी 110 की बात करते हैं, जिसकी बिल बेस मिलती है 1285 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 162 mm, सीट हाइट 790 mm, फ्यूल टैंक 9.1 लीटर और गाड़ी का वजन 112 kg। यहाँ मैं दोस्तों बजाज सी टी 110 की सीट हाइट नहीं बताया हूँ, क्योंकि बजाज अभी ऑफिशियली नहीं बताया इसकी सीट हाइट कितनी है, लेकिन बताया जा रहा है कि इसकी सीट हाइट 805 mm है। तो ऐसे में दोस्तों आप शॉर्ट राइडर हैं तो सी डी 110 आपके लिए थोड़ा सा कंफर्टेबल हो सकता है। और यहाँ पर सी डी 110 में वजन ज़्यादा मिलती है मेरे हिसाब से दोस्तों, ये ओवरवेट बाइक है 127 kg। तो यहाँ पर दोस्तों माइलेज का भी फ़र्क पड़ जाता है। अगर दोस्तों यहीं पे माइलेज की बात करते हैं तो सी डी 110 में 70 से 75 तक की माइलेज मिल जाएगी, यहीं पे बजाज सी टी 110 की बात करते हैं तो ये भी अप्रोक्स आपको 70 तक की माइलेज मिल जाएगी, क्योंकि दोस्तों ये बाइक ओवरवेट है। तो दोस्तों ज़्यादा वेट होने के कारण आपको थोड़ी सी हो सकता है माइलेज कम मिले। आगे बात करते हैं दोनों बाइकों की मीटर कंसोल की। तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, दोनों बाइकों में डिजिटल मीटर देखने को नहीं मिलती है, दोनों बाइकों में फुल्ली एनालॉग मीटर मिलती है और कोई भी इसमें आपको एक्स्ट्रा फीचर देखने को नहीं मिलती है, वही आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, जैसे कि स्पीडोमीटर, ऑटोमीटर, टर्न इंडिकेटर, इंजन माल फंक्शन की लाइट, हाई बीम लो बीम की लाइट देखने को मिलेगा, एक्स्ट्रा फीचर इसमें आपको नहीं मिलेगा। दोनों बाइकों की फीचर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले सी टी 110 की बात करते हैं, तो इसमें आपको सेफ्टी के हिसाब से एसबी ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है, यानी कि एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है। पैसेंजर फुटरेस मिल जाएगा दोनों साइड, ये पहली बाइक है जो कि दोस्तों आपको दोनों साइड पैसेंजर फुटरेस देखने को मिल जाती है। इंजन गार्ड देखने को मिल जाएगा, लेग गार्ड आ जाती है, ऑफ रोडिंग टायर देखने को मिल जाती है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी टायर अलग ही डिजाइन की दी गई है। स्टाइलिश फ्रंट फेंडर देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल दोस्तों कह सकते हैं सी डी 110 में ठीक ठाक फीचर देखने को मिल जाती है। यहीं पे सी डी 110 की बात करते हैं, जिसमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिलती है, जैसे कि इसमें आपको एसीजी स्टार्टर मोटर देखने को मिल जाती है, यानी कि बाइक स्टार्ट करेंगे तो काफ़ी साइलेंट स्टार्ट होती है, यानी कि आवाज़ नहीं करती है। इसमें आपको इंजन स्टार्ट और स्टॉप स्विच देखने को मिल जाती है, यानी कि 2-in-1 भी कह सकते हैं, वहीं से इंजन चालू कर सकते हैं, वहीं से इंजन बंद कर सकते हैं। इंटरग्रेटेड हेडलैम्प बीम देखने को मिल जाती है, पासिंग स्विच जैसा कि आप देख सकते हैं कितना स्टाइलिश लग रहा है। HCT ट्यूबलेस टायर मिल जाती है, जो कि आपको पीछे वाला पहिया में मिलेगा। ये दोस्तों HCT टेक्नोलॉजी, ये होंडा की टेक्नोलॉजी है, इसमें आपको अच्छे खासे ग्रिप मिल जाएगी, अच्छे खासे माइलेज मिल जाती है। मेंटेनेंस फ्री बैटरी मिल जाएगी इसमें और DC हेडलैम्प मिल जाती है। वैसे मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ, DC हेडलैम्प आपको दोनों ही बाइकों में मिल जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों कह सकते हैं सी डी 110 में थोड़ा सा फीचर्स ज़्यादा मिलती है। बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं तो बिल्ड क्वालिटी आपको दोनों ही बाइकों में लगभग ठीक ठाक रहने वाली है, पर यहाँ पर रिसेल वैल्यू के मामले में सी डी 110 आगे हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों बजाज की बाइकों में लोगों को भरम ये है कि अगर बजाज की बाइक अगर ज़्यादा दिन चल जाती है, इंजन से आवाज़ आने लगती है, खुल जाती है, तो फिर संभलती नहीं है वगैरह वगैरह, बहुत कुछ लोग इसके बारे में अफवाहें हैं। तो ऐसे में दोस्तों बजाज की रिसेल वैल्यू थोड़ी सी कम रहती है अदर कंपनी के मुकाबले, जैसा कि हीरो हो गई, होंडा हो गया, या फिर यामा हो गया, अदर कोई भी कंपनी लगा लीजिए, थोड़ी सी बजाज की रिसेल वैल्यू कम हो रहती है। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप बाइक को बाद में बेचना चाहते हैं तो सी डी 110 आपके लिए परफेक्ट रहेगा। दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं दोनों बाइकों की प्राइस की, क्योंकि प्राइस से ही सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, कौन सी लेना चाहिए और कौन सी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों बाइकों की प्राइस के मामले में लगभग 1000 का फर्क देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बजाज सी टी 110 एक्स की बात करते हैं, तो इसकी दिल्ली शोरूम प्राइस पड़ जाती है 55,494 रुपया और इसकी ऑन रोड प्राइस लगभग 65,000 से लेकर 66,000 तक की आ जाएगी। जबकि सी डी 110 में आपको दो मॉडल आती है, जैसे कि मैं पहले बताया हूँ, तो स्टैंडर्ड मॉडल लेते हैं तो इसकी दिल्ली शोरूम प्राइस पड़ती है 64,421 रुपया और डिलक्स मॉडल लेते हैं तो ये आपको पड़ जाएगा 65,421 रुपया। ये दोनों मॉडल की लगभग ऑन रोड प्राइस पड़ जाएगा 78,000 से लेकर 79,000 तक का। तो यहाँ पर देख सकते हैं सी डी 110 की थोड़ी सी प्राइस ज़्यादा है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, सी डी 110 में आपको थोड़ा सा फीचर्स भी ज़्यादा मिलती है, जैसे कि इसमें आपको ट्यूबलेस टायर मिलती है, फ्यूल इंजेक्शन मिलती है, इसमें आपको कलर ऑप्शन ज़्यादा मिलता है। तो कह सकते हैं सी डी 110 की भी प्राइस ठीक ठाक है और यहीं पे सी टी 110 की भी प्राइस ठीक ठाक है, क्योंकि इसमें आपको ट्यूब वाला टायर आती है, ट्यूबलेस टायर मिलता नहीं है, थोड़ा सा ब्रेकिंग सिस्टम थोड़ा सा कम है, इसमें आपको फीचर्स भी कम मिलती है। तो ओवरऑल दोस्तों कह सकते हैं दोनों बाइकों की अपनी अपनी जगह पर प्राइस सही है, आप लेना कौन सा चाहते हैं, सी टी 110 लेना चाहते हैं या फिर सी डी 110 लेना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको लगभग दोनों बाइकों के बारे में पूरी डिटेल से बता दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो के देखने के बाद आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी, दोनों बाइकों में आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलती है। बाकी बस दोस्तों ये कन्फ्यूजन और ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।